मामले में प्रशासन अभी भी सख्त नजर आ रहा है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है। जिले के डीएम ने बताया कि वो संवेदनशील इलाकों में अभी भी भ्रमण कर रहे हैं। प्रशासन ने अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके साथ ही उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। बहराइच का जो घटना है, सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो शरारती तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई खड़यंत्र तो नहीं है, उस पहलू पर की जांच की जा रही है। और जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है उसकी भी जाँच हो रही है। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से बहराइच में जो हिंसा आगजनी का मामला सामने आया और जिसके बाद लगातार प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं जिस प्रकार से रिवॉल्वर लेकर अमिताभ व्यस मौके पर पहुंचे, दंगाइयों को खदेड़ते हुए नजर आए और जिसके बाद वो तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां कर रही थी कि स्थिति किस प्रकार की वहां पर हो चुकी थी, क्योंकि फोर्स को अभी भी फिलहाल के लिए तैनात किया गया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीम मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम जी, जिस प्रकार से बहराइच की स्थिति हम सभी ने देखा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बार फिर से शर्मसार होता हुआ नजर आया, कैसे देखती हैं इन तस्वीरों को आप? देखिए, मैं आरती आपको बता दूं, जो सबसे पहले आपने पूछा कि कैसे देखते हैं, मैं घटना की जहां से शुरुआत होती है वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वहां का स्थानीय पुलिस अमला था वो पूरी तरीके से फेलियर था। इसीलिए जिला प्रशासन ने, पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने उसको फौरन ही निलंबित भी किया। वहां के एसएचओ को निलंबित किया गया, वहां के चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। और ये बिल्कुल था, पूरा देश ने देखा कि जो एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का जो विनोद मिश्रा है वो ऊपर चढ़ के और बाकायदा एक झंडा उतार रहा है, दूसरा झंडा फहरा रहा है, और जितनी देर वो उस कोठे पर रहा, अगर उतनी देर में उसको डिटेन कर लिया गया होता, उतनी देर में पुलिस अगर कोई हरकत में आ गई होती और उसको उतार देती, तो शायद इतना बड़ा हादसा जो आज पूरा बहराइच चल रहा है ये ना होता। जिस प्रकार से इस पूरे मामले को चुनाव से जोड़ा जा रहा है, दोनों पार्टी एक दूसरे पर षड्यंत्र का आरोप लगा रही, लेकिन हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहां तक सही है सर? देखिए, हिंदू मुस्लिम दंगा कहना गलत है। ये 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 मैं आपको इसकी एक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। ये जो व्यक्ति मरा है और जिसके घर से ये हादसा हुआ है, इन दोनों की पहले से आपस में दुश्मनी थी। एक सप्ताह पहले दोनों में लड़ाई हो चुकी थी। उसी लड़ाई का जो अंदर गुस्सा था, उसी परिप्रेक्ष्य में जब वहां पर डीजे पहुंचा तो डीजे में आवाज तेज की गई, और आवाज तेज की गई जो उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति किया, उस आपत्ति पर विवाद बढ़ा, पथराव हुआ। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक प्रतिमा खंडित हुई। प्रतिमा खंडित होने के बाद विवाद बढ़ता चला गया, जो अभी तक पूरी तौर से नियंत्रित में नहीं है। जिस प्रकार से आज भी वहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, वहां पर डेरा जमाए बैठे हुए अमिताभ यश, क्या अभी भी स्थिति कोई खराब होने की बनी हुई है क्या? देखिए, एक अभी अजीब सा सन्नाटा है। आज वहां पर हर चीज जो दंगे के निशान थे वो सारे मिटाए जा रहे हैं। और अभी लोगों को शंका ये है कि अभी आज 14 तारीख की मूर्ति का विसर्जन होना है। अभी कुछ मूर्तियां और विसर्जित होना बाकी रह गई है, वो सारी मूर्तियां शांतिपूर्वक विसर्जित हो जाए और उसके बाद कुछ घंटे किसी तरीके की वारदात न हो, तब ये माना जाएगा कि ये मामला पूरी तौर से कंट्रोल में है। अभी स्थिति नियंत्रित जरूर है, लेकिन अभी भी गम और गुस्सा लोगों के अंदर है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो राज्यों के चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बारी है, और ऐसे में
सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कील काटे दुरुस्त कर चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में होगी। इसके साथ ही इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उसके साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटे लाल सरपंच जी, ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटे लाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन। हाँ साबुन, हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकेंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जौहार, जय झारखंड। छोटे लाल सरपंच जी, ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटे लाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन। हाँ साबुन, हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में।